प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक रहें। सिर्फ सुनना नहीं है, सकारात्मक होना भी है, पॉजिटिव होना पड़ेगा। जिंदगी में खुशियां चाहते हैं तो पॉजिटिव होना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को, ठीक है? हमेशा पॉजिटिव रहा करें। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग कितने भी उपाय कर लें, अगर ये तीन चीजें आपके घर में हैं तो कोई भी उपाय आपकी जिंदगी में वर्क नहीं करेगा, परेशानी हमेशा लगी रहेगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका घर में रहना अपशगुन माना जाता है। अगर घर में अपशगुन हो रहा है, क्योंकि दोस्तों देखिए, आपका घर आपका यूनिवर्स है, आपका ब्रह्मांड है। आपके घर से जो एनर्जी निकलती है आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है। अगर अच्छी एनर्जी निकल रही है तो जिंदगी में खुशियां आएंगी, है ना? और यदि लाइफ में, अगर घर में यदि नेगेटिव एनर्जी है तो तकलीफें लगी रहेंगी। तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ चीजों को ऐसा कहा गया है जो ग्रहों से संबंधित होती हैं। अगर ये चीजें आपके घर में कुछ ज्यादा समय तक टिक जाती हैं तो बहुत लंबे समय तक के लिए आपकी परेशानियों का घर कर जाती हैं। मतलब बहुत लंबे समय तक आप कुछ भी करते रहें तो ये परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगी। जिसमें से सबसे पहला जो है वो ये कहा गया है कि आपके घर में यदि आप जो जूते, चप्पल या जो भी यूज करते हैं, मोजे, पैरों से संबंधित जो भी चीजें हैं, अगर आप ये यूज करते हैं, ठीक है, और ये आपके घर में फटे हैं, पुराने हैं और ये आपके घर में रखे हुए हैं, तो ये आपके शनि ग्रह को बहुत ज्यादा बिगाड़ देते हैं। शनि ग्रह यदि अनबैलेंस हो जाते हैं तो फिर आपको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा ग्रहों में सबसे ज्यादा तकलीफ 80-90% तकलीफ देने वाले ग्रह शनि है। तो यदि ये आपके अनबैलेंस है तो दोस्तों ये आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो कभी भी घर में पुराने, अगर फटे पुराने आपके चप्पल हैं, जूते हैं, मोजे हैं, तो मोजों से संबंधित, जूतों से संबंधित मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, उनको किस तरीके से आपको दूर करना है, तो जिससे आपको उसका लाभ भी मिल जाए। मतलब आप अपने पुराने जूते चप्पल फेंक रहे हैं तो फेंकने से अच्छा है कि कुछ उपाय करके फेंक दें, तो उससे आपको लाभ भी मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा समय तक यदि आपके घर में जूते चप्पल घर में रखे हुए हैं तो आपको अपनी तकलीफों को खुद ही आप घर कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं आप। कभी भी पुराने जूते चप्पल को आपको घर में टिकने नहीं देना है। ये बहुत बड़ा अपशगुन का कारण माना गया है, ठीक है? तो अगर आपके घर में ऐसे कुछ है, जूते चप्पल यूज नहीं करते हैं या फट गए हैं, मोजे हो गए, आप यूज नहीं कर रहे हैं, काफी लोग क्या करते हैं इसको पोछे के कपड़े में यूज कर लेते हैं, तो ये आप दरिद्रता को आमंत्रण दे रहे हैं। कभी भी पोछे के कपड़े में आपको नया कपड़ा यूज करें, पुराने अपने जो कपड़े होते हैं या मोजे होते हैं उनका यूज ना करें। इससे आपके घर में आप अपनी परेशानी को खुद ही निमंत्रण दे रहे होते हैं, ठीक है? तो इनके मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल पर चेकआउट करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उस तरीके से आप जूते चप्पल और अपने मोजे घर से बाहर कर सकते हैं। इससे आपके कर्ज, बीमारी, शत्रु, पैसे ना रुकना, धन की बरकत, ये सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा चीज जो कहा गया है वो काला तिल। काले तिल का दीपक जो होता है घर में हमेशा जलना चाहिए, नित्य प्रति जलना चाहिए। शनिवार के दिन से इस प्रयोग को शुरू करें और नित्य प्रति आपको काले तिल का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन अगर कहीं ऐसा आपको लगता है, कभी बाय चांस आपने कहीं काले तिल का जो तेल है वो घर में आपने कहीं रखकर छोड़ दिया है, आप भूल गए हैं और वो काफी समय तक आपके घर में रखा हुआ है, तो ये आपकी परेशानी का कारण बन सकता है, आपकी जिंदगी में दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। शनि ग्रह आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करा सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं। तो यदि ऐसा कुछ है तो उसको ले जा करके पीपल वृक्ष में डाल दें या पीपल वृक्ष के नीचे उसके तेल का दिया जला दें। आपको उस तेल को घर में नहीं रखना है, घर से तुरंत आपको अलग कर देना है। इसके अलावा दोस्तों एक उपाय, एक जो जानकारी है वो है नमक की। नमक जो होता है, अगर आपके घर में गीला हो गया है, पानी हो गया, पसीज गया है वो, और वो यदि आपके घर में है और ज्यादा समय तक, 1-2-3 दिन तक भी अगर है, तो बहुत लंबे समय तक के लिए आपके घर में परेशानियां क्रिएट कर सकता है, ठीक है? तो जब भी नजर पड़े, अक्सर ये चीजें होती हैं बरसात के मौसम में, तो कोशिश करें कि नमक को हमेशा कांच के डब्बे में रखें, कांच के कंटेनर में रखें और एयर टाइट में रखें ताकि वो गीला ना हो। अगर नमक घर में गीला हो जाता है, और नमक यदि गीला हो रहा है, तो आप अपने घर में परेशानियों के लिए तैयार हो जाइए कि अनएक्सपेक्टेड परेशानी आती रहेंगी, दुर्घटनाएं होती रहेंगी, पैसा जाता रहेगा, आएगा नहीं, कोई भी गति से नहीं आएगा पैसा, रुकेगा नहीं पैसा, बीमारियां आएंगी, शत्रु आएंगे, हर जगह लॉस ही लॉस होता है इससे। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि नमक को कभी भी अगर आपने खुले में भी रखा है तो उसमें पानी डाल करके ज्यादा देर तक नहीं रखना है, उसको ले जाकर के घर से दूर कहीं विसर्जन कर दें या कहीं रख दें, लेकिन घर में गीला नमक आपको कभी भी नहीं रखना है।
ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा एक चीज और है जो मैं आपको बता रहा हूं, जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में कितनी रील्स वीडियो शेयर करते हैं अच्छी जानकारी शेयर करिए ताकि लोग इनका लाभ प्राप्त कर पाए, है ना। इसके अलावा ये भी कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि आपकी ऊंचाई से ऊपर, काफी लोग क्या करते हैं जो रैक वगैरह बने होते हैं है ना, तो उसमें क्या करते हैं टूटे फूटे सामान होते हैं है ना, या फटे पुराने कपड़े होते हैं वो उसमें जमा देते हैं, तो ये गलती आप कभी ना करें, ये आपके दरिद्रता का दुख का कारण बन सकती है। अपने से ऊंचाई वाले स्थान में कभी भी सही चीजें रखना है, कभी भी आपको टूटी फूटी फटे पुराने कपड़े, काफी लोगों के घर में पर्दे होते हैं जो आपकी ऊंचाई से ऊपर फटे हुए हैं तो वो भी आप अलग कर दें, क्योंकि ये दरिद्रता का कारण होती है, तकलीफों का कारण होती है। राहु ग्रह को सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा बिगाड़ता है, वो होता है आपके घर की छत। आपके घर की छत में यदि टूटा फूटा कुछ कबाड़ रखा हुआ है या जंग लगा लोहा रखा हुआ है या आपका छत गंदा है या आपकी सीढ़ी टूटी फूटी हुई है तो आप तो अपनी जिंदगी में खुशियां आएंगी इस चीज की उम्मीद छोड़ दीजिए। अगर चाहते हैं कि खुशियां आए तो इन चीजों को रिपेयर करा लीजिए, छत को हमेशा साफ सुथरा रखिए, ठीक है। अब काफी लोग एक गलती करते हैं कि सोते समय मोबाइल जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिकल चीज होती है तो इनको क्या करते हैं अपने सिरहाने रख करके सो जाते हैं। अगर ये करके आप सोते हैं तो आप राहु ग्रह को बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हैं और राहु ग्रह अचानक से परिस्थितियां खराब कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल सामान आपके घर में बिगड़ा पड़ा है, घड़ी है या कोई भी सामान है, ये चीजें बिगड़ी पड़ी है तो राहु ग्रह आपके अनबैलेंस हो जाते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल सामान या तो उनको सुधरवा लें या कबाड़ वाले को फ्री में दे दें या घर से बाहर दे दें, फेंक दें, लेकिन उनको घर में ना रखें। अगर ये चीजें आपके घर में हो रही हैं तो आप कोई भी उपाय कर लें दुनिया के, कभी भी आपके घर में खुशियां नहीं आएंगी, हमेशा दरिद्रता ही बनी रहेगी, तकलीफें बनी रहेंगी। चाहते हैं कि घर स्वर्ग जैसा बन जाए तो जो चीजें उपाय मैंने बताए हैं इस प्रयोग को जरूर करें। नित्य प्रति शनिवार से शुरू करके आप काले तिल का भले छोटा सा थोड़ी देर के लिए जले, लेकिन थोड़ा पश्चिम दिशा में काले तिल का दिया जरूर जलाएं घर में। ऐसा करने से आपके राहु जो होते हैं, शनि जो होते हैं, केतु जो होते हैं, ये ग्रह आपके आपको शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। और ग्रह यदि अशुभ फल दे रहे हैं तो उनके फल को भी शुभ फल में बदल देते हैं, अनुकूल फल देने लगते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे से प्रयोग हैं, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीजें आपके घर में हो रही हैं तो अभी इन चीजों को बदल दें। अगर चाहते हैं कि जिंदगी में खुशियां आए तो इन चीजों को आज ही बदल दें, आज ही इन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दें। और नमक को हमेशा कांच के कंटेनर में रखें, कांच कंटेनर में रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा इसका। कुछ ही दिनों में देखेंगे दोस्तों 11 से 21 दिन में फर्क देखने लगेंगे आप, क्योंकि प्लास्टिक और यदि स्टील या लोहे में आप रख रहे हैं, लोहे में रख रहे हैं तो शनि और चंद्र की युति बना रहे हैं, मतलब कि अचानक परिस्थितियां बिगाड़ रहे हैं। और प्लास्टिक में भी आपको नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ कांच के बर्तन में ही आप नमक को रख सकते हैं। और यदि नमक में थोड़ा सा भी आपको लगता है कि गीला हो रहा है तो इसको तुरंत बदल दें, तुरंत घर से दूर कर दें, एक दिन भी इसको घर में ना रहने दें। और एयर टाइट कंटेनर में रखें, बरसात में अक्सर ऐसा हो जाता है कि नमक पानी जैसा हो जाता है, पसीजने लगता है, तो एयर टाइट कंटेनर में रखें उसको, ठीक है। नमक जो होता है बहुत सारी नेगेटिविटी को सोखता है और बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को। मैंने नमक के काफी वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल पर चेकआउट करें और देखें नमक के मैंने कितने सारे वीडियो बनाए, लोगों को कितना लाभ प्राप्त हुआ है। तो ये बातें दोस्तों जरूर ध्यान दें जो आज मैंने आपको बताई है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।